तो चलिए देखिए, अब हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर। ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर लेंगे हम और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं, इस लॉन्ग थिन वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला हम इसको कूलम्ब लॉ का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है, कूलम्ब लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, और दूसरा हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, है ना, गॉस लॉ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी चूंकि गॉस लॉ हमने पढ़ा नहीं है तो हम इसको कूलम्ब लॉ की हेल्प से निकालेंगे। कूलम्ब लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दोनों को यूज़ करके हम लोग इस थिन वायर की वजह से जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, खासकर बायो के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो बेटा वीडियो पॉज करके जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक, उसको उस तरीके से आप बोल के नोट करते रहिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा फिर इस तरीके से, ठीक, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं, ये एक थिन वायर है और इस थिन वायर की जो ये थिन वायर है तो इस थिन वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो सोचिए जब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, ये आपका चार्जेस इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर किया गया है, ठीक, वो चूँकि एक लाइन पर किया गया है यानी एक वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस वायर के हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है लैम्डा। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू आप जानते क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। ठीक, ये हमें डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या हैं, हमने आपसे बताया था कि जब भी हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम लॉ फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर वो लीनियर के केस में है तो लेंथ का एलिमेंट एज्यूम करेंगे, सरफेस का केस है तो आप एरिया का एलिमेंट एज्यूम करेंगे, अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो आपका वॉल्यूम वाला एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक, तो देखिए हमने एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट को जो लेंथ है, ठीक है, उस लेंथ को हमने अज्यूम किया डीएल। तो ये डीएल लेंथ का एलिमेंट है और इस डीएल लेंथ के एलिमेंट के पास जो चार्ज है आपकी, है ना, चार्ज की जो वैल्यू है वो डी क्यू है। ठीक, तो चूंकि इस डीएल लेंथ के एलिमेंट के पास जो चार्ज की वैल्यू है वो डी क्यू है, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, और डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, तो ये हो गया। ठीक, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस वाई एक्सिस पे और इस पॉइंट पी पे, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पी पे, और ये जो पॉइंट पी है ये इस ओरिजिन से आपका वाई डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, अब ध्यान रहे ये जो छोटा सा आपका चार्ज है डी क्यू, जो चार्ज है उसकी वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं तो वन कूलम का चार्ज यहाँ कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए चूंकि डी क्यू भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वन कूलम का है, तो ये करेगा क्या, ये देखिए इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड ई हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसका एंगल मैं यहाँ एज्यूम कर ले रहा हूँ थीटा, ये एंगल मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ थीटा। ठीक, अब देखिए अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हो गया कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई थीटा एंगल पे। ठीक है, ये अब देखिए अब हम क्या देखते हैं कि चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, इसलिए इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ ऊपर आएगा ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और यहाँ एक इस साइड आएगा, ये आएगा ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, रिजोल्यूशन होके इसके दो एलिमेंट आएंगे, एक ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट
और एक ये आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक वर्टिकल वाला अलोंग द वाई एक्सिस और ये अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दो कंपोनेंट आ गए, चूंकि चार्ज छोटा सा था, चार्ज छोटा सा था क्योंकि डीएल लेंथ का था, ठीक है, इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसको भी स्मॉल हम कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगी डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो अब इस डी ई की वैल्यू निकालते हैं। देखिए डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, तो इस डिस्टेंस को निकालने से पहले पहले हम ये डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट है हमारा वो एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे है। ये किस लेंथ का है? डी एल लेंथ का, ठीक है। डी एल लेंथ का अज्यूम करिए, चूंकि एक्स है तो अच्छा लगने के लिए आप इसको डी एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस तरीके से ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो डी ई एलिमेंट होगा वो कितना होगा, जो डी ई होगा, डी ई जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, देखिए 1/4 pi epsilon naught, है ना। और ये होगा चार्ज डी क्यू, सोर्स चार्ज डी क्यू हमारा है, तो सोर्स चार्ज डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन डी ए डिस्टेंस का स्क्वायर। आप सोचिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस ये इतना है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये डी ई होगा, ठीक। इस डी ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा वाला जो ऊपर की तरफ होगा, एक साइन थीटा वाला ये जो अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब ये डी ई की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ये एक एलिमेंट इस साइड है, ओरिजिन के इस साइड, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, तो ये है। अगर हम ओरिजिन के इस साइड एक एलिमेंट ले लें, अगर ओरिजिन के इस साइड हम एक एलिमेंट ले लें जो एक्स लेंथ पे है, ठीक है, तो चूंकि ये भी एक्स लेंथ पे है, डी एल डी एक्स वाला एलिमेंट ये भी है, डी क्यू चार्ज इसके पास भी है, तो ये जो फील्ड अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा यहाँ पे, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, ऐसे इधर होगी, और ये भी थीटा एंगल पे होगी। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इस डी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर डी साइन थीटा, एक डी साइन थीटा, और एक इधर होगा डी कॉस थीटा, ठीक है, इसके डी कॉस थीटा। तो आप देख क्या रहे हैं कि जैसे मान लिया ये एक्स डिस्टेंस पे है, सेम इसके जस्ट अपोजिट में एक्स डिस्टेंस पे ये भी है, तो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे फील्ड के, क्योंकि चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस देखिए वाई ये भी है एक्स ये भी है, तो ये भी जो डिस्टेंस आपकी आएगी ना, ये भी डिस्टेंस आएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्स यहाँ भी है, वाई एक्स यहाँ भी है, तो देखिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी डी क्यू है, तो इसका मतलब फील्ड भी सेम होगी, डी इसकी है डी इसकी भी होगी। यानी देखिए एक्स वाले ये जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है, ये वर्टिकल वाले, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दोनों सम हो जाएंगे, दोनों सम हो जाएंगे, बट ये जो अलोंग द एक्स एक्स वाले कंपोनेंट है, साइन वाले, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे इस केस में कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे इसी तरीके से आप एक एलिमेंट यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरे रॉड के लिए हमें निकालनी है ना, ठीक। तो इस तरीके से जब आप ढेर सारे एलिमेंट सबका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे क्या, इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास कॉस थीटा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा फील्ड का, इधर के भी एलिमेंट्स के पास कॉस थीटा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, इधर के और इधर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साइन वाले कंपोनेंट को काट देंगे, साइन वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो फील्ड यहाँ पे होगी, जो फील्ड यहाँ पे होगी वो बस कॉस वाले कंपोनेंट की होगी, साइन वाले कंपोनेंट की नहीं होगी। आप ये वाला लेते हो तो इससे सेम अपोजिट है, यहाँ होगा एक यहाँ होगा, इस तरीके से सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया कि साइन वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, बस कॉस वाले कंपोनेंट होंगे, यानी यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ कॉस वाली होगी, तो डी डी ये जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल वाला वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस आपकी होगी, और ये होगी डी ई कॉस थीटा, ठीक है, डी ई की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है।
ठीक, तो वाई वाला कंपोनेंट होगा, एक्स वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया और डी की ये वैल्यू हमें समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो हमने एक छोटे से चार्ज डी क्यू के लिए फील्ड निकाल ली, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में होगा क्या, ये जितने भी छोटे छोटे चार्जेज हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा और तब जाके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिलेगी, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी ये कहाँ पर होगी, अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है। तो ये जो ई की वैल्यू होगी ये होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है, यानी डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब जरा देखिए, हमने क्या देखा था कि बेटा अगर आपको एक्स को इंटीग्रेट करना या डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको डी एक्स के लिए करते हैं, डी एक्स का होना ज़रूरी है। अगर आप एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यानी एक्स के साथ डी एक्स होना चाहिए। वाई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वाई के साथ डी वाई होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, ठीक है, और ये कॉस थीटा है, तो हम क्या करते हैं, पहले डी की वैल्यू लिखते हैं। डी की वैल्यू जो होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो देखिए क्या होगी, वो होगी 1/4πε0, और ये आपका डी क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। आपको पता है कि 1/4πε0 ये जो होता है हमारा, ठीक है, ये जो होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, बस उसके बारे में भी बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कि इस तरीके से इंटीग्रेट करने पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, बट इंटीग्रेशन की लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। लिमिट देखिए क्या होगी, ये ओरिजिन से जो इंटीग्रेशन होगा आपका, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए होगा इस साइड राइट साइड, और यहाँ से भी जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस इनफाइनाइट लेंथ के लिए होगा, ठीक है। यानी ये जो लेंथ डी एक्स ये जो एलिमेंट होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट होंगे सबका इंटीग्रेशन होगा, इसलिए यहाँ पे लिमिट लगेगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये आपका 1/4πε0 चूँकि कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 4πε0। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो डी क्यू है ये अंदर ही रहेगा, ठीक है, तो 1/4πε0 बाहर आ गया। अब ये जो डी क्यू है बेटा, इस डी क्यू को हम लोग क्या ले सकते हैं, इस डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल। तो जब इस डी क्यू को आप लैम्डा इंटू डी एल लिखेंगे, डी एल या डी एक्स, यहाँ चूँकि एक्स लिया है डी एक्स लिया है तो डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा इंटू डी एक्स जब लिखेंगे तो ये लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा इंटू जब डी एक्स लिखेंगे तो ये लैम्डा हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये लैम्डा बाहर आ गया। लैम्डा बाई 4πε0 अंदर आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कौन सी चीज़, कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका होगा, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स बचा, ठीक है। तो ये नोट कर लिए हम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम वेरिएबल देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल देखने से पहले एक चीज़ और आप देख लीजिए, चाहे आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेशन करें, आपकी मर्जी, चाहे आप इस जीरो से लेके इस इन्फिनिटी तक का कर लें, यानी आधा का कर लें, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वैल्यू यही आएगी। ध्यान से देखिए, चाहे आप इस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का करें, या आप जीरो से इन्फिनिटी तक का करके टू से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वैल्यू आएगी। यानी इसको, ये जो आपका इंटीग्रेशन वाला फॉर्म आया है, जो पूरा है वो मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आएगी, वाई ये लैम्डा अपॉन 4πε0, लैम्डा अपॉन 4πε0, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और अंदर देखिए क्या एक्सप्रेशन, कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। इसको नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, चाहे आप, बताया मैंने क्या कि इन्फिनिटी से चाहे इन्फिनिटी तक करें या जीरो से इन्फिनिटी तक करके, है ना, इस आधे का निकाल के जीरो से इन्फिनिटी वाला उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 4πε0 जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। तो जीरो से इन्फिनिटी जब आधा आधा का ही आपने किया हाफ लेंथ का, ठीक है। तो हाफ लेंथ का निकलने के बाद आप जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी टू से टू कट जाएगा और ये टू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो से इन्फिनिटी, कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ खेल देखिए, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़रूरी है आपको एक एक चीज़ समझना और ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये हमारा इस तरीके से रॉड था कुछ, ठीक है, और यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी थी पॉइंट पी पे वाई डिस्टेंस पे, और यहाँ एक एलिमेंट लिए थे हम डी एक्स, ठीक है, और ये इसकी डिस्टेंस हो गई थी ये वाली, ठीक, ये डिस्टेंस इसकी हो गई थी, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट आए थे डी के, और हमने डी कॉस थीटा वाला लिया क्योंकि साइन थीटा वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और ये लेंथ ली थी हमने एक्स, और यहाँ पे एज्यूम किया था थीटा एंगल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है, देखिए अगर ये तो एक्स ये है ना, अब देखिए अगर एलिमेंट यहाँ वाला हो तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एलिमेंट यहाँ वाला हो तो एक्स की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, यहाँ वाला हो तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, अगर ये एलिमेंट यहाँ पे हो, ठीक, तो एंगल भी तो चेंज होगा ना सबके केस में, सबके केस में एंगल भी चेंज होगा। तो चूंकि एंगल भी चेंज होगा तो ये जो थीटा की वैल्यू है ना, ये भी वेरिएबल आपके लिए हो गई, यानी कॉस थीटा भी आपका वेरिएबल है, कॉस थीटा भी आपका वेरिएबल है। तो दो दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम थीटा करेंगे, यानी डी एक्स जो है आपका, डी एक्स को कन्वर्ट करके हम डी थीटा करेंगे, और एक्स को भी हम थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल रहेगा तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लेंथ है ये वाई है, और ये जो लेंथ है ये एक्स है, ठीक है, और ये जो एंगल है आपका ये है थीटा। एक्स को थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन वाई, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई टैन थीटा, ठीक है। तो अब एक्स की तो वैल्यू मिल गई, एक्स की जगह ये रख देंगे तो थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन अब डी एक्स को भी हटाना ना, तो डी एक्स को हटाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई टैन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। तो डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की जगह पुट करते हैं वैल्यू, देखिए जब पुट करेंगे, अब इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं बस ये वैल्यू नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसके साथ क्या है, देखिए इसके साथ ये जो डी एक्स है, डी एक्स डी एक्स लिखेंगे वाई, ये जो डी एक्स है ना हमारा, डी एक्स यहाँ पे क्या आया, वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अब जरा देखिए आप, इन दोनों में वाई कॉमन मिल जाएगा आपको, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू वाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। एक वाई से एक वाई कट जाएगा, उसके बाद आप क्या देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा से ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूरा कट जाएगा, और बचेगा क्या, कॉस थीटा अपॉन वाई, देखिए कॉस थीटा अपॉन यहाँ वाई बचा, यहाँ बचा डी थीटा। वाई चूंकि एक कॉन्स्टेंट लेंथ है यहाँ से, ओरिजिन से एक कॉन्स्टेंट लेंथ है वाई, तो वाई को हम बाहर कर लेंगे, वाई इसके साथ आ जाएगा, और जब वाई इसके साथ आ जाएगा तो देखिए इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू ये था लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाई, ठीक है, ये वाई हो गया, और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, ठीक है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो ये पूरा नोट करेंगे टू पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, है ना, ये कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक,
और ये हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ आपको और ध्यान देनी पड़ेगी, एक चीज़ हम नहीं बदले यहाँ पे, वो ये कि ये जो x था, जब यहाँ पे dx था तब हम लिए थे x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब हम यहाँ पे थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों को जब हम थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमको ये जो है आपकी ये जो लिमिट है, ये लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिमिट जो थी वो एक्स वाली थी, इसको हमें एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंगल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से समझिए वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। देखिए अगर एलिमेंट एकदम यहाँ जीरो के पास होगा तो ये एंगल एकदम जीरो होगा, यहाँ पे देखिए अगर ये एलिमेंट यहाँ एकदम पास होगा तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो जीरो आएगा, और दूर होगा तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, और दूर होगा तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, और दूर होगा तो एंगल और बढ़ेगा, और दूर होगा तो और बढ़ेगा, और दूर होगा तो और बढ़ेगा, ठीक है। उसे इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे होगा तो ये और बढ़ता जाएगा, यहाँ पे होगा तो ये और बढ़ेगा, यहाँ पे होगा तो बेटा ये और बढ़ेगा, इसी तरीके से जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, चूँकि लेंथ आपकी इन्फिनिटी पे है ना, तो ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये 90 डिग्री हो जाएगी, यानी एंगल जो होगा आपका वो लिमिट चेंज हो जाएगी जीरो से लेके पाई बाई टू 90 के लिए, तो ये हो जाएगा जीरो से लेके पाई बाई टू के लिए। अब देखिए पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू जब इसमें पुट करेंगे साइन पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90, फिर उसके बाद जब जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 की वैल्यू वन होती है, यानी ये आपका वन आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू वन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये वन आ गया, ये अंदर वाली टर्म, ठीक है, और वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक। तो इस तरीके से अगर एक रॉड है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, अगर ये रॉड ऐसे रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती, ठीक। तो अब देखिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, है ना। अब इसको आप पूरा वीडियो जैसे मैंने किया है, ठीक है, वन बाई वन आपको सारे स्टेप देखने पड़ेंगे, और ये डेरिवेशन वाकई जिस तरीके से है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो आप जब खुद अपने मन से इस तरीके से बोल बोल के नोट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें चार्ज एक वायर पर डिस्ट्रीब्यूट था और उसकी वजह से हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकालना हो तो यहाँ पे एक चार्ज दिया होगा क्यू नॉट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए ना, इसी को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। शुक्रिया।